नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। राम मंदिर पर तालिबान के धमाकेदार ऐलान के बाद अब इजराइल और कनाडा ने भी बड़ा धमाका किया है। राम मंदिर को लेकर नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के ऐलान से पूरा भारत हैरान। अमेरिका के टाउन स्क्वायर में जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर लगता है कि पूरे अमेरिका में जय श्री राम की धूम है। राम मंदिर को लेकर इजराइल और कनाडा ने क्या किया है इसे जानकर झूम उठेंगे 140 करोड़ भारतीय। इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर अब तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन पहुंच चुका है और वहां का माहौल कैसा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े इन सभी कलाकारों ने अयोध्या पहुंचने से पहले मुंबई एयरपोर्ट के बाहर पेपराजी को जमकर पोज दिए। इन सेलेब्स में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट से लेकर अमिताभ बच्चन, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ तक मौजूद थी। सभी लोग भारतीय पारंपरिक ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को भी अयोध्या के लिए निकलते देखा गया। दोनों मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर दिखाई दी। कैटरीना कैफ ने जहां गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वहीं पति विक्की कौशल ने ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी पहन रखी थी। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी सफेद कुर्ता पैजामा पहने अयोध्या के लिए रवाना हुए। उन्होंने गले में एक सफेद रंग का मफलर भी लपेट रखा था। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी नजर आए। हालांकि दोनों ने पेपराजी को पोज नहीं दिया। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा जान लेते हैं वीआईपी गेस्ट के लिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। इस वक्त पूरे देश की टॉप हस्तियां अयोध्या में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अगर वहां कोई बड़ा हमला होता है तो पूरे देश को गहरी चोट लगेगी। अयोध्या की सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहरों में ट्रेनों की एंट्री तक बंद है। अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रेलवे ने डायवर्ट कर दिया है या कैंसिल कर दिया है। हालांकि रेलवे का कहना है कि प्लेटफॉर्म के नए निर्माण के चलते ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। इसके अलावा यूपी रोडवेज की बसों की भी अयोध्या में एंट्री बंद कर दी गई है। यानी अयोध्या में सार्वजनिक वाहनों से अब कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। अयोध्या अभेद्य किला बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। मशीन गन से लेकर AK-47 लिए कमांडो तैनात है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सड़क पर जगह जगह कमांडो सायरन बजाती गाड़ियां नजर आ रही हैं। अयोध्या की सीमा में अब वही लोग एंट्री कर रहे हैं जिनके पास प्राण प्रतिष्ठा का न्योता और पास है। वहीं वीवीआईपी के 60 चार्टर्ड प्लेन अयोध्या के नए एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। यहां वीवीआईपी को छोड़ने के बाद प्लेन 1000 किलोमीटर के रेंज में आने वाले दूसरे एयरपोर्ट पर पार्क होंगे, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ 8 प्लेन की पार्किंग हो सकती है। इसलिए 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट की पार्किंग रिजर्व की गई है। इनमें यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। राम मंदिर के हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा मंदिर परिसर के ऊपर से ड्रोन, हवाई जहाज या चॉपर को गुजार नहीं सकेंगे। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा NSG और CISF को सौंप दी गई है। पीएम मोदी और अन्य वीवीआईपी गेस्ट के गुजरने वाले रास्तों पर बने मकानों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। रास्ते के लगभग सभी घरों के छतों पर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। अब आइए जरा जान लेते हैं कि भारत के अलावा अलग अलग देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसा माहौल है। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन से पहले भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर इजराइल की तरफ से राम मंदिर पर धमाकेदार ऐलान करते हुए भारत को शुभकामनाएं दी गई। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने जल्द ही मंदिर का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की। इजरायली राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इजरायली राजदूत गिलोन ने राम मंदिर के लघु मॉडल के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए आगे लिखा, मैं जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए उत्सुक हूँ। निश्चित रूप से ये मेरे पास मौजूद इस मॉडल से भी ज्यादा भव्य और सुंदर होगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दुनिया भर में जश्न का माहौल देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर के सदस्यों ने टाइम्स स्क्वायर पर लड्डू बांटे। टाइम्स स्क्वायर में भी लोग इसका जश्न मना रहे हैं और ये जगह अयोध्या से कम नहीं लग रही। भारतवंशी लोग जश्न मना रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर ये आयोजन किए जा रहे हैं। संस्था के सदस्य प्रेम भंडारी ने बताया कि ये कार्यक्रम अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को इस आयोजन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। प्रेम भंडारी ने कहा कि हमने कभी सोचा ना था कि हम अपने जीवन काल में इस दिव्य दिन के साक्षी बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम वनवास के बाद लौट रहे हैं और यह सब पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण हो रहा है। उन्होंने दुनिया भर में पूरे माहौल को राममय कर दिया है। उन्होंने न केवल 140 करोड़ लोगों को जोड़ा
बल्कि देशों को भी जोड़ा है। विदेशों में भी भारतीय प्रवासी इस आयोजन का जश्न मना रहे हैं। ये दिन दिवाली से कम नहीं है। इस बीच अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में भी राम मंदिर को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। हालांकि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बीते साल सितंबर से ठीक नहीं। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने हिंदू आस्था का ख्याल रखते हुए 22 जनवरी को एक विशेष दिन घोषित करने का फैसला किया। कनाडा ने अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। ओक वेल में मेयर रॉब बर्टन और ब्रैम्पटन में मेयर पैट्रिक ब्राउन ने हिंदू समुदाय की आस्था का मान रखा। इन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को शांति, एकता और सद्भाव के मूल्यों का प्रमाण बताया। कनाडा के स्थानीय सरकारों ने भी राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर के सम्मान में 22 जनवरी 2024 को एक विशेष दिन के रूप में मनाने का फैसला किया है। अन्य देशों में भी राम मंदिर को लेकर गजब का उत्साह है। अमेरिका, बुडापेस्ट, ब्रिटेन समेत अन्य देशों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है। इस मौके पर ब्रिटेन और अमेरिका पर प्रभु श्री राम के बड़े बैनर लगाए गए। नेपाल के जनकपुर से मुख्य महंत और छोटे महंत को अयोध्या समारोह में आमंत्रित किया गया है और वो पहले ही अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले जनकपुर ने अनुष्ठान के एक भाग के रूप में अयोध्या में प्रसाद भेजा था, जिसे स्थानीय रूप से भार कहा जाता है। इसमें आभूषण, व्यंजन, कपड़े और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। अयोध्या के साथ साथ नेपाल के जनकपुर धाम देवी सीता का ननिहाल भी अब खुशी और उत्साह से भर गया है। इस अवसर का इंतजार बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों मंदिरों में कार्यक्रम की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई। सिडनी में भारतीय प्रवासियों ने शनिवार को एक कार रैली आयोजित करके इस अवसर का जश्न मनाया। इस आयोजन में 100 से अधिक कारों ने भाग लिया, जिससे सैकड़ों राम भक्त और आस पड़ोस के राहगीर आकर्षित हुए। मॉरिशस में भारतीय प्रवासी राम मंदिर के उत्सव में एकजुट हो रहे हैं। सभी मंदिरों में दिए जलाए जा रहे हैं और रामायण पथ का पाठ कर रहे हैं। इस द्वीप राष्ट्र के लोग अयोध्या में होने वाले आध्यात्मिक मील के पत्थर के जश्न में एकजुट होकर खड़े हैं। वे मॉरिशस के सभी मंदिरों में एक एक दिया जलाने की तैयारी कर रहे हैं और इन मंदिरों के गलियारे में रामायण पथ के श्लोक गूंजेंगे, जिससे भक्ति और सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बनेगा। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि आपके शहर, गांव या राज्य में राम मंदिर को लेकर कैसा माहौल है। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।